हेलो जी, वेलकम टू TMB। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 2:30 पर। आज हम आए हैं अपने डिपार्टमेंट, मतलब OT डिपार्टमेंट। जब से इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है ना, हम इस डिपार्टमेंट कम ही आए हैं क्योंकि पोस्टिंग लगती है ना। आज हम आपको अपना डिपार्टमेंट शो करते हैं। एंड इट्स 2:35 PM, अराउंड 2:35। दीदी हमारी क्लास में लड़की वो ना आया था, पता है करते ऐसे आईफोन लेके ऐश करते ऐसे। आईफोन का स्वैग है मोहित 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 मोहित। पिंक मैन कब लिया तूने? मैंने दीदी ये ना 2019 में लिया। इधर हमारे जूनियर्स हैं ये सब। और ये है हमारा चेंजिंग रूम, इसमें बैठेंगे हम। उधर सारी ना OTs हैं, मतलब ऑपरेशन थिएटर जो भी अलग अलग है। आज हमारा ना पार्सल भी आने वाला है बेला वीटा का। हमने फर्स्ट टाइम ही उसके प्रोडक्ट ट्राई किए हैं, देखो कैसे निकलते हैं। उससे पहले हमने ना लिप स्क्रब देखा था शेकू से लेके, वो तो काफ़ी अच्छा था। और मुझे पार्सल रिसीव हो गया है, अब मैं खुश हूँ। बस यार ये प्रोडक्ट्स ना अच्छे निकले, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे हैं बेला वीटा के। अगर अच्छे निकले तो ठीक है, पैसे लगने सही रहे, अदरवाइज वेस्ट हो जाएंगे। और जो हम स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपनी पॉकेट मनी से बचा के ही ये चीज़ें मंगवाते हैं। घर वाले इनके लिए पे इस चीज़ के लिए पे नहीं करते, तो अच्छे निकलने चाहिए होप। और मैं आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी, ठीक है, इन सब चीज़ों का। और अगर आपको देखना है कि मैं इस पार्सल में क्या क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे, तो वो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। और ये ना किसी ऑफर पर मैंने लिए हैं, वो ऑफर था आई थिंक 5 के साथ 1 फ्री, पता नहीं क्या कुछ 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट करो बेला वीटा के ही, इनकी ही वेबसाइट पे, मतलब वो आपको मिल जाएगा ऑफर। और अब हम सीधा जा रहे हैं ये लेके लाइब्रेरी में। एक तो उधर से कॉलेज से आना और यूनिवर्सिटी गेट पे पार्सल लेना, और ये सब ना गर्मी लगने लग जाते हैं। और क्या बोलते हैं, अब हाँ बस अब लाइब्रेरी जाएंगे, अब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, खुश होंगे, तो 3-4 घंटे पढ़ते हैं, 2-3 घंटे जो भी रहेगा वो आपके साथ मैं शेयर कर ही दूंगी। तो चलते हैं लाइब्रेरी। तो मुझे छोड़ कर जा रहे हो आई बस समझ में? तो बात दिया पता है मुझे, बाहर से मैंने कर दिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, ये लिफ्ट अब सीधा लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई है। अपना बैग का है, इस पार्सल को हम रखते हैं इधर, क्योंकि लाइब्रेरी में तो लेके नहीं जा सकते। और हम चलते हैं लाइब्रेरी। डिपार्टमेंट से निकल के सीधा हम आ गए हैं लाइब्रेरी। अब हम लाइब्रेरी से जा रहे हैं। और क्या बोलते हैं, आज मैंने, मेरे को लोकल एनेस्थेटिक कर रहे थे, और वो लाइब्रेरी में ना मैंने पढ़ तो लिए हैं, बट मेरे को बोल बोल के याद होते, तो मुझे रूम में जाकर दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस लगाने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। और अब हम PG पे जाके मिलेंगे। है स्मृति? स्मृति तुमने क्या किया आज? है स्मृति? तो मैं PG तो आ गई थी, और PG आने के बाद मैंने फेस वॉश वगैरह किया, चेंज किया। अभी मैं वेट कर रही हूँ मेरी एक फ्रेंड का जो कश्मीर से है, और वो है तो हमारी सीनियर, बट सीनियर जूनियर वाला ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी फ्रेंड है। तो वो आ रही है अपनी कुछ कश्मीरी आउटफिट्स दिखाने हमें, जो भी होंगी उसके, वो देखने के लिए अभी मैं बैठी हूँ कि वो आए। इंतज़ार हुआ ख़त्म, शायद वही है। वेलकम वेलकम वेलकम। तो वो अरवा आ गई है,
हाय हेलो यार, ये कश्मीरी ये सारी ड्रेसेस लेके ये दिखाने के लिए बैठ जा, दिखाए एक एक करके हमें। मैं बोल रही थी है तो हमारी सीनियर, बट सीनियर जूनियर वाला हमारे बीच कुछ नहीं है। तो पहले ये दिखाओ, इसको हमारे यहाँ कश्मीरी फैरन बोलते हैं, जो मोस्ट ऑफ हम विंटर्स में डालते हैं। तो ये कश्मीरी फैरन है, इसके साथ ये गर्म होता है, ये बहुत गर्म होता है। अच्छा। और इसको अंदर से स्वेटर भी पहन सकते हैं, वो ऐसे भी डाल सकते हैं, अंदर से कुछ स्वेटर वगैरह भी डाल सकते हैं। और ये इसके साथ प्लाजो है, विद प्लाजो भी डाल सकते हैं, विदाउट प्लाजो भी डाल सकते हैं। इसके नीचे आप कोई भी जीन्स या कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है ही डालना। तो ये है कश्मीर का सूट जो मैंने अभी सिलाया नहीं है, जो विंटर का है, मतलब हैवी है। किसका है, वेलवेट का? मुझे नहीं पता, वेलवेट का ही है। हम तो हमारी पर बहुत अच्छा है। कैसा है? बहुत अच्छा है। ये अभी मैंने सिलाया नहीं है, अभी लाया ही है। तो ये इसके साथ इसका ये पूरा लॉन्ग कुर्ती भी बन सकती है ना इसकी, ये इसमें लॉन्ग भी बन सकती है, शॉर्ट भी बन सकती है, ये आपको खुद तक है कि आप कैसा बनवाओगे। जैसे इसमें स्लीव्स हैं, उनमें आप ये लगवा सकते हो, स्लीव्स का दिया हुआ है इसमें, तो आप ये भी लगवा सकते हो। और ये इसका दुपट्टा है, पूरा ही आता है ये? हाँ, ये पूरा सेट आता है। सुंदर है यार ये सूट तो। तो ये दुपट्टा है, और ये इसका शलवार है, ये तो नॉर्मल ही है। और मैं ये तो होगी कश्मीर, और मैंने लखनऊ से सूट लाए थे जो मैं आपको दिखाऊंगी। लखनवी सूट भी है जो मैंने लाए हैं, इसमें भी लाइनिंग भी ही लगवाई है, बट ये है लखनऊ का सूट, ये है इसका फ्रॉक, और ये है इसका प्लाजो। और ऐसा ही दूसरा भी लाया है जो है येलो कलर का, और ये किसी स्पेशल वन के लिए? हाँ, ये घर भेजने के लिए है, स्पेशली लखनऊ से लाया गया है, स्पेशली लखनऊ से लाया गया, स्पेशल वन के लिए लाया गया, स्पेशल वन के लिए लाया। और ये मेरी एक ड्रेस थी जो मैंने अभी तक नहीं डाली है, बस लाया है मैं इसी ड्रेस। कोई भी इसको पहन सकता है, जिसको भी पहनना होगा मुझे बोले, ये हम रील में यूज करेंगे ये ड्रेस है। और ये भी आप रील में यूज करना ही है, ये मैं ना कभी कश्मीरी लुक क्रिएट करूंगी पूरा, आप इसमें एक कश्मीरी लुक क्रिएट करना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ये पहन के नीचे, इसके नीचे जीन्स भी पहन सकते हो, इसके नीचे प्लाजो भी पहन सकते हो, इसके नीचे कुछ भी इंसान पहन सकता है। ये सच में गर्म है अरवा? ये सच में, ये वूलन का है, ये बहुत गर्म होता है, ये लगता नहीं, लगता है ऐसे पतला सा लग रहा है ना, तब इसमें बहुत गर्माहट होती है। और यहाँ के मौसम के लिए तो ये बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ इसके अंदर स्वेटर भी डालते हैं हाई नेक वाले, तो हम स्वेटर भी डाल सकते हैं इसके नीचे। आप इसमें ना एक रील बनाना, मेरे पास जो भी कश्मीरी कपड़े आएंगे मैं आपको एक वन बाय वन दिखाती जाऊंगी, जब भी मैं कश्मीर से कुछ लाया करूंगी, ठीक है? और हम रील बना देंगे। तो आप बताना आपको कौन से आउटफिट, मतलब कौन से वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मुझे ब्लैक वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। और अब मैं बालों में ऑयलिंग करूंगी, फिर पढ़ाई भी करनी है और डिनर वगैरह भी करना है, तो आज का व्लॉग तो हम इधर ही एंड कर देते हैं। तो इस चैनल को जो भी कश्मीरी देख रहे हैं या जो भी यहाँ के देख रहे हैं, जहाँ पे भी जो लोग देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अरवा, बाय।